गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ओके। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में आपका चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि उत्तरोत्तर अवकलन। तो इसका एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और ये इसका आज आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी, आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। कितनी बार अगर हम करेंगे तो उसका साइन क्या रहेगा, d2y/dx2 इसका मतलब क्या है, y1 y2 इन सब का मतलब क्या है, ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। और मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस भी कराए हुए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, आपका लॉग वाला डिफरेंशिएशन हो गया, और एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। तो आज का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, चलिए नोट करिए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों y = e^x sin 5x। अगर आपके पास इतना गिविन हो तो आपको फाइंड आउट करना है d2y/dx2 की वैल्यू। अब ये कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें यहाँ देखना है हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, क्योंकि यहाँ d2 लिखा है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा आपका d/dx और ये y, फिर यहाँ से हो जाएगा d/dx और ये पूरा फंक्शन ले लीजिए e^x sin 5x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला हमारा लगेगा, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकेंड का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि sin 5x, प्लस आपका सेकेंड सेम रहेगा यानी sin 5x सेम रहेगा, और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट वाले का यानी कि e^x का। तो यहाँ से कितना आएगा e^x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा x होगा आपका इस तरीके से, यानी sin x का आपका cos और ये पूरा x होगा, ओके। और x का करेंगे तो आपका 5x होगा, 5x का यानी 5, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म आपका सेम रहेगा, और आप e^x का करेंगे तो e^x ही आ जाएगा, यानी dy/dx आपका हो गया। लेकिन आपको निकालना है d2y/dx2, तो अब क्या करना होगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से लगा दीजिए d/dx और ये है dy/dx, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लगा दीजिए, देखिए 5 में बाहर कर लेता हूँ सीधा पहले, तो फिर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट लगाना तो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना 5 ऐसे बाहर कर लीजिए और फिर लगा दीजिए d/dx। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों e^x cos 5x, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, इसका हो गया। प्लस आपका यहाँ भी होगा तो d/dx और यहाँ से हो जाएगा sin 5x और e^x, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब ये 2 टर्म बन गए आपके, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। जैसे पहला टर्म आपका ये दिया था ना, ये वाला, ये तो कैसे किया इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से, अब इसका भी फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। तो यहाँ तो आ जाएगा d2y/dx2, यहाँ से करिए, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों, 5 मैंने बाहर रखा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट फलन मेरा सेम रहेगा और सेकंड का मुझे करना है यानी cos 5x का, तो इसका हो जाएगा मेरा sin 5x, और 5x का देखिए यहाँ पे माइनस साइन भी तो आएगा ना, और 5x का होगा आपका 5 केवल, तो ये मैंने कर दिया। प्लस सेकेंड को सेम रखना है मुझे, तो मैं cos 5x को सेम रखूँगा इंटू e^x का करूँगा, तो e^x मेरा यहाँ पर आ जाएगा। प्लस अब मुझे इस सेकेंड वाले का करना, तो यहाँ फर्स्ट फलन में सेम रखूँगा यानी कि sin 5x में सेम रखूँगा इंटू सेकेंड का कर दूंगा, तो e^x हो जाएगा। प्लस अगर मैं सेकेंड को सेम रखूँगा तो e^x सेम रहेगा और sin 5x का हो जाएगा cos 5x, ओके। 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब दोस्तों सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ 25 हो जाएगा माइनस का, और देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा e^x sin 5x, ठीक है। इसके बाद यहाँ कराएंगे तो 5 से यहाँ हो जाएगा 5e^x cos 5x, ठीक है। ये कंप्लीट, प्लस ये टर्म सेम रख दीजिए यहाँ पे, तो sin 5x, और आगे लगाना चाहे e^x तो लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 5e^x cos 5x, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, और ये आपका चला आ रहा है दोस्तों d2y
अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ई पर पावर एक्स साइन एक्स, ये देखिए कहाँ है, ई पर पावर एक्स साइन एक्स वाला ये टर्म है, तो ये आपका 25 दिया है और ये आपका एक है, तो यानी एक घट जाएगा, तो माइनस का 24 ई पर पावर एक्स साइन 5x आपका यहाँ से आ जाएगा। देखिए 5 आपका ये है, 5 आपका ये है, यानी कि tan e पर पावर x cos x आपका यहाँ से आ जाएगा और वो 5x रहेगा x की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो देखिए हम यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, और अगर माइनस कर लेना चाहें तो माइनस कर ले लीजिए, और अगर प्लस कर लेना चाहें तो प्लस कर, मैं प्लस कर ले देता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं प्लस का दोस्तों e पर पावर x यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 12 साइन 5x, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ से बचेगा मेरा 5 और cos 5x, ठीक है ना, तो इतना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मैंने क्या करा है दोस्तों, दो कॉमन ले लिया और इस तरीके से इसको रख दिया, ठीक है। अब आप आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं, अगर करना है तो 5 cos 5x इसको कर दीजिए माइनस का साइन 5x, ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी कंप्लीट सही ही है, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो देख लीजिए जो भी आंसर आपको लिखना चाहिए वो आप लिख दीजिएगा, कोई भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 2e पर पावर x 5 cos 5x और माइनस का 12 साइन 5x, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो फिर कर लीजिए इसको आप जल्दी से नोट, ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, ठीक है, और वीडियो पॉज कर लीजिएगा तो आप इसको पूरा भी नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर पूरा तो ये नहीं आ सकता, सो इसलिए मैं आपको आधे आधे करके ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करना है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ और बाकी का क्वेश्चन आपको करना होगा। देखिए यहाँ दिया है एक्स क्यू लॉग बेस ई एक्स और आपको निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना, यानी दो बार डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा, तो एक बार जब करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगेगा तो फर्स्ट फलन ज्यो का त्यों हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस ई एक्स सेम रहेगा और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म, यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू यहाँ पर देखिए एक्स, ठीक है ना, क्यू आ जाएगा, ओके समझ गए इतनी चीज़ को। अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए ये एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाता है प्लस ये लॉग बेस ई एक्स है और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स से एक्स काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 3 में एंगल लेता हूँ और ये ले लिया मैंने लॉग बेस ई एक्स 3x, ठीक है। इतना आपको मैंने करके दिखा दिया, अब एक बार फिर से आपका डिफरेंशिएशन जब होगा तो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ओके, ये आपको देखिए करना है और इसमें जब हम करेंगे तो 3 बाहर ले लेंगे और log x इंटू 3x के बीच हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा देंगे तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रहेगा, यानी log x इंटू सेकेंड का करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस सेकेंड आपका सेम रहेगा और फर्स्ट का करेंगे तो 1/log x आ जाएगा, बाकी आप लोग सेम जो है कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी प्रोसेस है, आई होप आप सभी लोगों को आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, चलिए अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो फिर देखिएगा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया गया, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वाई इज इक्वल टू a cos nx, ठीक है, ये क्वेश्चन है प्लस इसमें और भी ऐड है b sin और फिर nx, इतना क्वेश्चन है आपका। तो आपको दोस्तों प्रूव यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझिए, आपको प्रूव करना है कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन यानी dy वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई ये जो है जीरो रहेगा, किसके बराबर रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा, ये आपका
क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को जो है समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है, दो बार है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन पहले तो इसका करना होगा। तो यहाँ से पहले तो एक्स के सापेक्ष करना, ये हमने देखा, तो हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके चलिए, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कॉस एन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी साइन एन एक्स। ओके, अब इसमें अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रहेगा, यानी ए आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ से हमें कॉस एन एक्स का करना है, किसका करना है दोस्तों, कॉस एन एक्स का करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, देखिए अब आपको यहाँ से कॉस एन एक्स का करना, तो यहाँ से आप पहले तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, और आपका कॉस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स। ओके, अब एन एक्स का भी करना तो दोस्तों इनटू में एन आ जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन करना, देखिए इनको हम बाहर जो है ले रहे हैं, ठीक है ना, मैंने जिस तरीके से ए को बाहर ले लिया, ठीक है ना, और उसी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी को बाहर ले लेंगे। तो साइन एन एक्स का हमें करना, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एन एक्स, और फिर एन एक्स का भी करेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये दोस्तों आपके अचर पद है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखने में मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ आपका एन दिया है, इसलिए यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का जो है फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा। ये पूरा एन एक्स है आपका, देखिए इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपकी एक्स की वैल्यू दी है, अगर आप डिटेलिंग में इसको थोड़ा सा देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ए को बाहर किया, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ये पूरा एक्स है, और फिर एक्स का भी करेंगे एन एक्स का, तो एन बाहर और एक्स का एक, यहाँ इस तरीके से बी बाहर, साइन एक्स का कॉस एन एक्स हो गया, और एन एक्स में क्या होगा, एन बाहर होगा और एक्स का एक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ए एन साइन एक्स इंटू एन, आप जैसा भी लिखना चाहें लिख लीजिए, प्लस यहाँ से हो जाएगा बी और ये एन आगे, और फिर हो जाएगा कॉस यहाँ से एन एक्स। ओके, तो ये आपका एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है अभी डी वाई अपॉन डी एक्स के, लेकिन आपको यहाँ हाईएस्ट जो है टर्म कितना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से फिर से एक बार करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके चलिए, अब क्या होगा, अब अगर हम दोबारा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसके बाद यहाँ के क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। देखिए अब मैं माइनस ए एन को बाहर कर लेता हूँ एक ही बार में, माइनस ए एन मैंने बाहर कर लिया। ओके, तो बचा मेरा दोस्तों कितना, साइन एन एक्स या एक्स एन, जो भी आप कहना चाहें, प्लस यहाँ से देखिए बी एन मैंने बाहर कर लिया, तो मेरा यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ये अचर पद है इसलिए मैं इसको बाहर रख रहा हूँ बार बार। ओके, अब देखिए इसका जब हम करेंगे तो माइनस ए एन तो रहेगा ही रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स, ठीक है। अब एन एक्स का करेंगे तो इनटू में एन भी आना चाहिए, तो इनटू में एन आ गया, प्लस बी और ये एन मैंने ले लिया, और आपका कॉस एक्स का होगा तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये साइन आपका अलग है और ये एन एक्स अलग है, और इनटू में एन भी आएगा, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको कितना लिख सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से देखिए ए एन और ये भी एन, तो ए एन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एन एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी और ये भी एन, तो स्क्वायर साइन एन एक्स। ओके, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप लेना चाहें तो एन स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस का, तो माइनस का ए स्क्वायर एन स्क्वायर जब कॉमन लिए तो अंदर बचा दोस्तों ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन, देखिए बी साइन एन एक्स। ओके, इतना आपका बचा और ये बराबर चला आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स टू के। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये टर्म आपका दिया है ना ये वाला, ये देखिए आपका वाई के बराबर है, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में इसी की वैल्यू तो आपको वाई दी थी, देखिए इसी की वैल्यू तो आपको वाई दी थी, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स जो था यही तो वाई के बराबर था। तो क्या हम इसकी जगह वाई लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, एन स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये बराबर किसके हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के। अब इसको आप इस साइड ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर जीरो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जो भी प्रूफ आपसे करवा रहा था इस क्वेश्चन में वो आप लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलिए तो इसका आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो आज का दोस्तों जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है, आपको दिया है यदि जो वाई बराबर है वो टेन इनवर्स एक्स हो आपके पास, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है दोस्तों कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई जो होगा वो डी एक्स टू प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके बराबर होगा। कुछ ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने टाइम किया गया है, तो दो बार, यानी पहले इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ओके अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये तो आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब फिर से करना, तो यहाँ से फिर से लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ से करूँगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स टू। अब देखिए हर आपको सेम रखना है, यानी सेकंड सेम रखना है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप सेम रखेंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो वन का जीरो हो जाएगा माइनस। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपको अब फर्स्ट सेम रखना है यानी वन सेम रखेगा और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन का तो जीरो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और बटे में आपका चला जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का, आपको दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो, ये तो पूरा जीरो गया, बचा कितना, यहाँ से बचा माइनस का टू एक्स बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर बचा माइनस का टू एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में जो है सॉल्व करके आपको बताता हूँ, बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों आप लोगों को। इसमें से एक वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसके यहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, क्योंकि देखिए आंसर में हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ला रहा है, एक वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ भेजना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के सामने, यानी इसके इन टू में। तो एक हम यहाँ से भेज देंगे, बचेगा यहाँ से माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स और बटे में बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस को माइनस का जो टू रहेगा वो हम सेम रखेंगे, ठीक है ना, टू एक्स सेम रखेंगे और जो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा है उसकी जगह हम वाई रखने वाले हैं, देखना अभी यहाँ पे डी वाई अपॉन डी वाई रखने वाले हैं। पहले इतना मैं जो है आपका नेक्स्ट पेज में जो है नोट करता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल करके अभी जस्ट आया हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, तो आप देखिए मुझे प्रूव करना है दोस्तों वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बराबर जीरो मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। ये मुझे प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो इसके साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, तो मैं एक वन प्लस एक्स स्क्वायर इसके साइड में भेज देता हूँ, यानी यहाँ से हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और इक्वल में बचेगा माइनस का टू एक्स अपॉन वन अपॉन टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो एक चला गया, तो स्क्वायर नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब अगर दोस्तों आप देखें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से, देखिए माइनस का टू एक्स तो है तो हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ कैसे आ गया, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे आ गया। माइनस का टू एक्स आप सेम रखिए और इन टू कर दीजिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जो आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, इसकी वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स आपने निकाली थी अभी, एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो आपकी वैल्यू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आई थी। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए आपकी वैल्यू ये रही डी वाई अपॉन डी एक्स की कितनी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसकी जगह इसकी जगह हम इतना रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, तो ये रख दीजिए आप लोग यहाँ पर माइनस का टू एक्स और इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आपका कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब इसको आप यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई और अपॉन में हो जाएगा डी एक्स टू, ठीक है ना, और इज इक्वल टू यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना निकल करके आ जाएगा। अब देखिए हमें इसको इस साइड भेजना है क्योंकि आंसर हमें यही तो दिखा रहा है, आंसर हमें यही दिखा रहा है, तो आने ही हमें यहाँ जीरो रखना है, तो प्लस इसको यहाँ लाएंगे तो टू एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, बहुत इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का ये, तो देख लीजिए आप लोग। वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स था, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इतना आ गया, फिर अंश बटे हर हमने लगा दिया तो ये तो जीरो हो गया था इसलिए मैंने काटा है इसको। ठीक है, इतना आ गया था। इसके बाद मैंने देखा आंसर में मेरा यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने यहाँ से एक वन प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मेरा फिर यहाँ कितना बचेगा माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस को टू एक्स को मैं सेम रखूँगा और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं डी वाई अपॉन डी एक्स रख लूँगा यहाँ पर, फिर पूरा टर्म यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल जीरो आ जाएगा। तो ये आगे की प्रोसेस है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो चुका है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज का अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पाँच नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, कितने नंबर वाला, पाँच नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन को जल्दी से सजा देते हैं आपके सामने। ठीक है, और इस क्वेश्चन को प्लीज़ करके अच्छे से लगाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है आपको y इज इक्वल टू e पर पावर cos x, इतना दिया है। तब आपको प्रूव करना है दोस्तों कि d पर पावर 4y अपॉन डी एक्स पर पावर 4 प्लस 4y जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है, क्या करना है आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, यानी कि इसका चार बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, तो चार बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चलिए पहले तो हम एक बार ही कर लें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पर पावर एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा डिटेलिंग में लगाना क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी। देखना अब आपका मेथड क्या रहेगा, आपका मेथड रहेगा फर्स्ट को सेम रखेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स के साथ लगाएंगे प्लस कॉस एक्स करेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स के साथ लगाएंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस का साइन एक्स, ओके, प्लस में सेकंड सेम कर रहा हूँ यानी कॉस एक्स सेम और ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट इनटू सेकंड से एक बार डिफरेंशिएशन, दोबारा करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, अब माइनस बहन कर लेना, माइनस बाहर कर लेना, अब फिर से यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड का आप लोग लगा देना। ठीक है, कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ लगा लेना, आप देखिए माइनस साइन ऐसे रख लीजिए बाहर डी अपॉन डी एक्स और यहाँ कर लेना ई पर पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ऐसे आप साइन क्या कर लेना, बाहर लगा लेना डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स और साइन एक्स कर लेना, ओके, और प्लस यहाँ लगा देना डी अपॉन डी एक्स और कर देना कॉस एक्स ई पर पावर एक्स। ठीक है, चलिए अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, अब मैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रख रहा हूँ, साइन एक्स का मैं कॉस एक्स कर रहा हूँ, कॉस एक्स मैंने कर दिया, अब मैं सेकंड फलन ज्यों का त्यों रख रहा हूँ, इसके बाद फर्स्ट का कर रहा हूँ ई पर पावर एक्स, कंप्लीट। प्लस अब यहाँ देखिए मैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रख रहा हूँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, प्लस मैं दोस्तों सेकंड फलन ज्यों का त्यों रख रहा हूँ और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यानी इंटू माइनस का साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ज्यों का त्यों इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस देखिए फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ज्यों का त्यों और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा ई पर पावर एक्स कॉस एक्स, देखिए बिल्कुल ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसको करते जाना है। साइन एक्स ई पर पावर एक्स प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस एक्स ई पर पावर एक्स और यहाँ ये आ जाएगा माइनस का ई पर पावर एक्स साइन एक्स। क्या इतना समझ में आपको आ गया दोस्तों। देखिए अब यहाँ से आप काटना चाहें तो ये कॉस एक्स वाले टर्म आप काट सकते हैं इस तरीके से, ई पर पावर एक्स कॉस एक्स और ई पर पावर एक्स कॉस एक्स प्लस का, तो बचेगा कितना आपके पास दोस्तों, बचेगा माइनस का टू साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स। ये आपके पास वैल्यू बच गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अभी देखिए दो बार हुआ है केवल, हमें करना है चार बार, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन
डी एक्स क्यू, तो यहाँ से माइनस आप दो बाहर कर लीजिए और यहाँ से लगा दीजिए डी अपॉन डी एक्स, और फिर आप लगा दीजिए साइन एक्स और ई पर पावर एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो माइनस का दो बाहर रखे रहिए, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों कर दीजिए, सेकंड का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस सेकंड सेम रखिए और साइन एक्स का कॉस एक्स कर दीजिए। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए ये दो बाहर आप फिर से रखे रहिए, इसके बाद यहाँ इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगा दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए, ये आपका आ गया दोस्तों डी थ्री वाई या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की वैल्यू। इतनी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दो को इसके साथ ले आइए, देखिए माइनस दो और इसके साथ क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स। ओके, प्लस यहाँ देखिए अगर आप चाहें तो माइनस साइन है ना, तो माइनस दो रहेगा। ओके, ई पर पावर एक्स और ये रहेगा कॉस एक्स। ये मैंने देखिए अलग अलग कर दिया है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है अलग अलग। अब दोस्तों डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, तो डी पर पावर फोर यहाँ आएगा और डी अपॉन डी एक्स इसके साथ भी, डी अपॉन डी एक्स इसके साथ भी। तो अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पेज में सॉल्व। इतना आपको समझ में आ गया, मैंने केवल दोस्तों माइनस दो का इसमें गुणा करा दिया है इतने टर्म में और इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमारा फिर से लगने वाला है। तो अब इसको मैं जल्दी से नोट करता हूँ, ये है आपकी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू आई हुई आपकी, अभी एक बार और करना है, चार बार करना था हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अभी तीन बार केवल डिफरेंशिएशन आपका आया हुआ है और वो है इतना, ठीक है। चलिए तो मैं इसको जल्दी से नेक्स्ट पेज में आपका सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने निकाल ली थी dQy/dxQ की वैल्यू, इतनी आई थी, ठीक है ना। अब हमें फोर बार करना है, तो यहाँ से हो जाएगा d, पहले तो यहाँ लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d 4y/dx4, ठीक है, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए हम माइनस दो को बाहर ले लेते हैं और d अपॉन डी एक्स कर देते हैं दोस्तों साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स का, माइनस यहाँ से हम फिर से दो बाहर ले लेते हैं और d अपॉन डी एक्स हम लोग कर देते हैं किसका, यहाँ से ई पर पावर एक्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया, ये देखिए पहला वाला टर्म है और ये देखिए सेकंड वाला टर्म है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कीजिए, माइनस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर दीजिए, तो माइनस दो बाहर लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों साइन एक्स ई पर पावर एक्स का हो गया ई पर पावर एक्स, प्लस ई पर पावर एक्स सेम और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। तो क्या समझ में आ गया आपको, चलिए ये पहला कंप्लीट, माइनस दो यहाँ से फिर से बाहर किया इसके लिए, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों कॉस एक्स का हो जाएगा दोस्तों माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों और ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स। तो क्या इतना समझ में आ गया, चलिए अब हम पूरे को नोट करते हैं, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का टू साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस का टू ई पर पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका देखिए प्लस, तो प्लस टू ई पर पावर एक्स साइन एक्स। क्या समझ में आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस, इसके बाद यहाँ से बचेगा माइनस का टू कॉस एक्स और यहाँ लिख देते हैं हम ई पर पावर एक्स। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या कट रहा है, देखिए साइन वाला टर्म हमारा कट रहा है, ये साइन का माइनस का है और ये साइन का प्लस का है, तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए क्या है, टू साइन एक्स ई पर पावर एक्स माइनस का, टू साइन एक्स ई पर पावर एक्स प्लस का, बचा क्या माइनस का टू ई पर पावर एक्स कॉस एक्स और ये देखिए माइनस का टू कॉस ई पर पावर एक्स, ठीक है ना। कॉस एक्स यहाँ पर हम छोड़ दिए कॉस एक्स, ठीक है ना, ई पर पावर एक्स, ये इस तरीके से, यानी बचा है माइनस का फोर ई पर पावर एक्स कॉस एक्स, इतना बचा है हमारे पास डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर। ओके, इतना। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे इस वाले टर्म में, अब देखिए अगर मैं आपको आंसर की ओर ले जाऊँ तो मैं आंसर आपका नोट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर है डी पर पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स पर पावर फोर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इतना आंसर तो हमारा ये देखिए आ गया, अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में भी आ जाएगा, यानी कि डी पर पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स पर पावर फोर हो जाएगा और ये आ जाएगा फोर ई पर पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा इतना फोर तो आ रहा है लेकिन इसकी जगह वाई आ रहा है,
मतलब हमें क्वेश्चन में y की वैल्यू इतनी गिवन थी, ये आइडिया हमें लग गया। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू e पर पावर x cos x दी थी। तो देख लीजिए, जो क्वेश्चन में y की वैल्यू थी ये थी आपकी e पर पावर x cos x, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, y रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, यानी 4y आपका हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, और प्लस यहाँ d पर पावर 4y और अपॉन डी एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, आगे सॉल्व कर दीजिए, जो कटा काट दिया, तीन बार डिफरेंशिएशन किया, इतना आ गया। इसके बाद इतना आ गया था, चौथी बार आपने डिफरेंशिएशन किया, जो कटा सो काटा, बाद में चार बार इतना आ गया, और बाद में जो इतना टर्म था उसकी जगह हमने दोस्तों वाई रखा, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, और हम कल भी इसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से बता दीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपके अप्लाइड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिए हैं, तो जाइएगा उनको पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।